देहरादून साकेत कॉलोनी में डकैती मामले में डीआईजी पुष्पक ज्योति मौके पर पहुंचे। डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर एग्जिट पॉइंट सील करके चेकिंग के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से ही पुलिस यहां पर चेकिंग कर रही थी, फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। तो आपको बता दें कि देहरादून में पॉश कॉलोनी में डकैती की वारदात से सनसनी फैल गई। डालनवाला थाना क्षेत्र के साकेत कॉलोनी का यह मामला है। डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया। विरोध करने पर परिवार के कई सदस्यों को जख्मी कर दिया गया। बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक घर में जमकर उत्पात मचाया और फिर लाखों के जेवर और नकदी लेकर डकैत फरार हो गए। पॉश कॉलोनी में हुई इस घटना से पुलिस के होश उड़ गए हैं। सूचना के बाद एसपी सिटी फोर्स समेत मौके पर पहुंचे और इस मौके पर एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। पीड़िता और उनके बेटे के मुताबिक बदमाश बड़ी संख्या में थे और घर के बाहर खाली प्लॉट के रास्ते से वो भागे थे। खुर्रम शमशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, अभी तक पुलिस ने तफ्तीश जिस तरह से शुरू की है, क्या कुछ पता चल पाया है जांच में? देखिए, घटना के बाद से जितने भी शख्स जुटाए जा सकते हैं और मौके पर तफ्तीश की जा सकती है और सीमाओं पर चेकिंग की जा सकती है, वो तो की ही जा रही है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं उसमें सबसे अहम बात ये है कि अभी पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं उसमें एक संदिग्ध डिज़ायर कार सामने आई है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि इस कार ने उस इलाके में 3 से 4 चक्कर लगाए थे। दूसरी बात इसमें ये सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से बदमाशों का घुसने का तरीका और बाहर निकलने का तरीका था, उससे कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई है कि घटना को अंजाम पहले से ही रेखी करके दिया गया है। ऐसा महसूस होता है जो पुलिस की तफ्तीश है कि पहले से ही किसी ने घर में के आसपास की पूरी रेखी की और उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब बदमाश घर में दाखिल हुए उससे पहले चारों तरफ के जो दरवाजे थे वो बंद किए गए और घर के बैक साइड की खिड़की से अंदर दाखिल हुए और जो घर के जो अलग अलग सदस्य अलग अलग कमरों में सो रहे थे उनके कमरे बंद किए और जो मेन कमरा था वहाँ पर जो घर के सदस्य मौजूद थे उनको बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो ये एक बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं पहले से ही घर के पूरी तरह से इन बदमाशों को जानकारी थी। और दूसरी बात इसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो घटना को अंजाम देने का तरीका था उससे बावरिया गिरोह के होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है तो इस गिरोह के हाथ सामने आए हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर पुलिस ने जो नोटिस किया है वो ये है कि जो बदमाश हैं और जो नकाबपोश थे उनकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो बिजनौर यूपी के बिजनौर इलाके की लग रही थी। तो पुलिस इस पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब कुल मिलाकर जो अभी तक पुलिस के पास जो जानकारियां हैं उसके आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। तमाम अधिकारी भी मौके पर आए हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर पुलिस के हाथ बहुत ज्यादा सफलता जैसी बात अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं लग पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि देहरादून जैसी जगह पर जो पहुंच कहा जा सकता है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस डकैती को अंजाम दिया गया है, पूरी रणनीति के साथ, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है। शुक्रिया खुर्रम आपका पूरी जानकारी के लिए।